सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली। सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। अभी जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि गहवर वन की जो है बरसाने में लाडली की पोशाक कैसे बनती है, उसकी कटिंग मैंने प्रॉपर दिखाई थी आपको। स्टिचिंग के लिए मैं भी एक लहंगा आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं, और एक चोली आपको दिखा रही हूँ। अभी जो है ना, मैंने अपना जैसे कपड़े पे लेस वर्क वगैरह जो है ना सब कर चुकी हूँ, पहले ही लगा चुकी हूँ लेस वगैरह। मैं ये प्लेन था कपड़ा मेरे पास में, आपके ऊपर होता है, आप कैसे भी जो है ना कपड़े के हिसाब से अपने लेस लगा सकते हो। मैंने ये लगाई ताकि ये फोकस करे अलग से। अब जो हम प्लेटिंग करेंगे, अब प्लेटिंग के लिए आपका कपड़ा ना बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम चुन्नटे उठाएंगे। आपको याद रखना है इस तरीके से बनानी है कि कमर इसकी 58 या 60 बैठे, मतलब घेरा मतलब कमर का। तो हम तो ना थोड़ी खुली खुली सी ऐसे प्लेटें डालेंगे ताकि जो इजीली सही से मतलब किया है। जैसे जैसे मैं आपको बता रही वैसे वैसे आप जो है ना प्लेटिंग कर सकते हैं। जो जिनको आता है सिलना भाई, उनको तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मुझसे भी एक्सपर्ट हैं, अच्छे हैं, कि भाई वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अभी जैसे कि मैं, जो भी भक्त नए जो भी पोशाक बनाना चाहते हैं तो उनके लिए है ये। अब जो मैं ना यहाँ पर प्लेटिंग करूंगी, प्लेट जो है ना आपके ऊपर है, कपड़ा आपने ज्यादा लिया है आप जितने ज्यादा बड़ी बनाना चाहते हो उस हिसाब से जो है ना बना सकते हो। तो मैं अपने प्रॉपर कपड़े में जितनी बन सकती है। अब धीरे धीरे हम इसमें जो है ना चुन्नटे डालेंगे। कुछ भक्त जो है ना चुन्नटे वैसे डालते हैं गलत साइड से, तो कहते हैं हमारा घेरा नहीं फैलता है। तो हमें चुन्नटे ना उस साइड डालनी है, देखिएगा जिस साइड से कपड़ा गिरता है उस साइड, मतलब कि चुन्नटों का मतलब मुख होना चाहिए। अब ये देखो, जैसे अब इधर से मैं प्लेटिंग करती जाऊंगी, थोड़ा सा खुला खुला। ऐसे कर करके हम एक एक करके जो है ना प्लेट डालते जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको ये लहंगा दिखाती हूँ। इस तरीके से हम पूरे लहंगे पे जो है ना प्लेट डाल लेंगे। अब जो है चुन्नटे हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे कि अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये जो है ना हमने ये बना लिया है ये घेर कर। अब जो है ना मैं साथ के साथ में क्या करती हूँ, आपके ऊपर होता है, आप जैसे नेफा जो बनाते हो राधे, आप नेफा बनाना चाहो अलग से, नाड़ा डालना चाहते हो उसमें अलग से नाड़ा भी डाल सकते हो, साइड में भी अटैच कर सकते हो। मैं तो नाड़ा ही डालती थी, इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा नाड़े क्या होते कई बार निकल जाते ड्रेसेस, तो मैंने जो है ना ये पट्टियां कट कर रखी है, लंबी लंबी है, काफी काफी बहुत बड़ी है। मतलब कि अगर हम बांधेंगे भी लाडली के तब उसके बाद भी मतलब बच जानी चाहिए ताकि इजीली आप बांध सको। तो मैं क्या करूंगी अभी, इतना जैसे ये छोड़ के यहां से, और अब जो है इधर ऐसे लगा दूंगी और इसकी सिलाई कर दूंगी। मैं उल्टे साइड पे रखूंगी मैं से। अब उल्टे साइड पे रख के और मैं जो है ना अभी से सिलाई कर दूंगी। जो है ना मैंने ये इस तरीके से एक पट्टी सिल ली है पूरी कंप्लीट। अब मैं इसी के साथ में ही जो हमें चोली सिलनी है लाडो की, मैंने उसका नाप प्रॉपरली दिखाया था। मैं नीचे इसके ये वाला कपड़ा लगा रही हूँ वो इस वजह से, क्योंकि इसके ऊपर ये कपड़ा दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन वो मैं इस वजह से बता रही हूँ आप सभी भक्तों को ताकि आपको इजीली आ जाए इसको अटैच करना। अभी जो हमने कपड़े को उल्टा रखा है, मतलब कि ये वाली साइड है जो उल्टी हमें अस्तर पे रखनी होती है ताकि फिर हम उसे बाद में स्टिचिंग के सीधा कर सके। तो अभी जो है ना जितने भी पोर्शन खुले हुए हैं, हमें जो नीचे की साइड मतलब पोर्शन आता है उसको हमें खुला छोड़ना है, बाकी हमें सभी जितनी भी साइज जगह है ना उतने पे हम उसे स्टिचिंग कर देंगे। तो अभी जो है ना मैं सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे।
अभी जो है ना मैंने इसकी सभी साइड पे सिलाई लगा दी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। अब ये है हमारे इस तरीके से। अब जितना भी पहले तो हमें देखो ये कपड़ा इस पे सिल चुका है, अब जितना भी एक्स्ट्रा है ना उतना मैं वो कटिंग कर दूंगी। अभी जो है ना हमने इसको सीधा कर लिया है और इस तरीके से। अब फिनिशिंग के लिए क्या करेंगे, हमने इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे सिलाई लगा देंगे ताकि ये उठे उठा सा ना रहे, फिर इसमें डोरी अटैच करेंगे। अभी देखिए आप, मैं जो है ना अभी इधर की साइड में एक फिनिशिंग के लिए जैसे कि हम सिलाई लगा देंगे, जितनी जगह है ना उतने पे आप जो है ना सिलाई लगाते रहिएगा ऐसे। तो ये देख रहे हो आप, इस तरीके से ये बैठी बैठी सी आ जाएगी, मतलब ये उठा उठा सा नहीं रहेगा। अभी देखो ये फिनिशिंग सिलाई जो हमने लगा दी है अभी ना उठा उठा नहीं रहेगा। अब एक डोरी में यहाँ अटैच कर दूंगी, एक इधर और कमर पे से, एक डोरी इधर और एक डोरी इधर। इधर तो आप चाहे नेफा भी मोड़ सकते हो, नाड़ा भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये चोली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी जो लहंगा है उसमें मैंने इस बार जो है ना इस तरीके का मतलब ये नेफा लगाया जिसमें मतलब मुझे नाड़ा नहीं डालना पड़ेगा। तो ये जो है मैं ऐसे अटैच करती जा रही हूँ और ये ऊपर से मोड़ती जा रही हूँ। अब ये नाड़े का भी, क्योंकि अलग से नाड़ा नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ड्रेसेस में से नाड़ा निकल जाता है, जैसे ड्रेसेस वहां पे पोशाक जहाँ रखी जाती हैं तो नाड़ा निकल जाता है, तो इसी वजह से मैंने अटैच ही बना दिया कि अब निकलने का टेंशन ही नहीं रहेगा और ना पंडित जी को बार बार ढूंढने पड़ते हैं। अब इसके पूरे ये लुक दिखाती हूँ मैं आपको ये सिलाई के बाद में भी। अब जो मैंने दो डोरी काट ली है लंबी लंबी, और अब जो है मैंने यहाँ पे अटैच करूंगी नीचे से, यानी कि उल्टी साइड इधर ये है, इसके ऊपर जो है ना डोरी अटैच करे दोनों कंधों पे। तो सबसे पहले हमने जो है ना दो डोरी काट ली है और नीचे की साइड यानी कि ऊपर की साइड नहीं अटैच करनी है, जहां से ऊपर की लुक आएगी हमें जो है ना नीचे की साइड अटैच करनी है, और नीचे से ये रख के और फिर उसके बाद में हमने पक्का टाका लगा देंगे। अब जो है हम अपनी दूसरी भी डोरी अटैच। अब जो है लहंगा तैयार हो चुका है बनके ये, और ये डोरी है और ये लंबी लंबी हमने डोरी ऐसे अटैच कर दी है, नाड़ा निकलने का टेंशन नहीं है, और ये इस तरीके से लाडली के आ जाएगा। एक कंप्लीट लुक है लहंगे की। और अभी जो है आपको चोली की भी जो है ना ये भी दिखाती हूँ मैं। हमने जो है ना इसमें भी डोरी अटैच कर दी है। अब हमें जो है ना कमर पे बस डोरी अटैच करनी है और ये फाइनली जो है ना चोली तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है ना लाडली की घेवर बन की पोशाक बना सकते हो बरसाने में, वहां जो भी भक्त सेवा प्रदान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कैसे कटिंग करनी है, कितना मीटर कपड़ा लगना है, पूरा जो है ना प्रॉपर मैंने नाप के साथ में वीडियो अपलोड की हुई है, आप उस पर देख सकते हैं। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।